أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیب سکس کے سیکنڈ پارٹ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور لیب سکس کے سیکنڈ پارٹ کے اندر جو ہم کمبینیشن اب دیکھنے والے ہیں وہ ہم پیرلل کمبینیشن آف میوچل انڈکٹنس ود ہیمنڈ ٹرانسفارمیشن کے ذریعے سے دیکھیں گے. اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہماری جو میوچل انڈکٹنس کی کوائل ہے اس کو ہم فلفل یہاں پہ کریں گے. जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम अब बढ़ाएंगे इस बात को अपनी कि इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने अपने कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था इसमें हमने हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन विद एलसीआर मीटर डिस्कस किया. इसमें कॉइल ऑफ पेयर हम लेते हैं जिनको हम एलसीआर मीटर के ज़रिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाते हैं. सीरीज़ कॉम्बिनेशन में तरीका ये होता है कि एलसीआर मीटर से जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स निकल रही होती हैं उन्हें टर्मिनल वाइज कॉइल वन के अंदर कनेक्ट करते हैं और दूसरे प्रॉप को हम इस तरह से दूसरे कॉइल में कनेक्ट करते हैं और इन दोनों को आपस में जो एक टर्मिनल बच जाता है आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं. तो ये कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एलसीआर मीटर कनेक्शन विद हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल कहलाता है. इसी तरीके से हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसे कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि दोनों वायर जो आपके एलसीआर मीटर के होते हैं वो डायरेक्टली आप कनेक्ट करें पहले कॉइल से एंड उन्हीं दोनों को कनेक्ट कर दें पैरेलल कॉम्बिनेशन के ज़रिए से सेकंड कॉइल में. ये कॉम्बिनेशन मैं बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को. मैंने पहले से नहीं बना के रखा ताकि सीखने में आसानी हो, उस मकसद के लिए मैं यहाँ पर इसे फुलफिल कर रहा हूँ. तो आते हैं इसकी तरफ और इसे कनेक्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम ये कॉम्बिनेशन निकालेंगे यहाँ से जो सीरीज़ का बना हुआ था. ठीक है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इन्हें आपस में ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे. देन ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, समझ रहे हैं. For the same symmetry, this coil connected with one terminal with adjacent of second one and the second coil is connected with the first of adjustment. Furthermore, हम करेंगे ये कि ये वाला coil हम connect कर देंगे यहाँ से terminal and then ये terminal connect कर देंगे हम यहाँ से इस तरह से. ओके जी, ये चीज़ करने के बाद हम अपनी readings पाएंगे. ये तो हम जानते हैं कि L1 और L2 की जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो सेम सर्डन 21.71 21.69 तकरीबन इन 21.7 इन दोनों L1 L2 की वैल्यूज़ हैं. अब हम इस कॉलम को फिल करने की तरफ जाएंगे. अच्छा, एक यूनिक चीज़ मैंने इसमें ये करी है कि स्केल को मैंने यहाँ पे इसके होल हुए हुए थे तो मैंने उसमें एडजस्टमेंट कर दी है स्केल की. तो अब ये 15 सेंटीमीटर विद द सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर में स्केल वाइज रखे हुए हैं. आप देखें कि ये ज़ीरो के रेफरेंस पे यहाँ के 15 सेंटीमीटर के रेफरेंस पे रखा हुआ है. ये चीज़ करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और इनकी रीडिंग्स लेंगे. तो 15 सेंटीमीटर पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रीडिंग आ रही है वो हमारी मैं दिखा देता हूँ आपको. एलसीआर मीटर के जरिए 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर दैट इज़ 11.26 पैरेलल में रीडिंग कम होती है. तो हम आगे चलते हैं और पैरेलल में रीडिंग को नोट करते हैं. दैट इज़ 11.46 और मेरी आ रही है 15 सेंटीमीटर पे 11.25. मैं रिवर्स में कर रहा हूँ क्योंकि सिमेट्री पहले 15 की बनी हुई थी तो मैं पहले दिखा रहा हूँ 11.46 आ रही है, मेरी 11.25 आ रही है. तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, मिली हेनरी में इतना चल जाता है. उसके बाद 15 सेंटीमीटर के बाद जो रीडिंग्स हमारी आ रही हैं इसके बाद चलते हैं 13, 11 और 12 की तरफ. तो आप देखें तो इतना ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है. तो ये रीडिंग इस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे और लास्ट रीडिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो कि 7.3 की, यानी कि डिस्टेंस हम कम करते हुए जाएंगे और 12.5 आनी चाहिए रीडिंग्स. ठीक है,
तो डिस्टेंस हम कम करते हुए जाएंगे 7.5 की तरफ। असल में एक ही हाथ से बना रहा हूँ तो एडजस्ट करना और मूव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल तो यहाँ पर हमारी जो रीडिंग आई है वो 12.5 के तरह कुछ आनी चाहिए। तो 12.5 थी रीडिंग 7.5 पे, तो 7.5 के एडजस्टमेंट पे आप देखें 7 पे रखा हुआ है 7 पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 12.42 आ रही है और यहाँ देखें तो 12.5 आ रही है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 7.3 की रीडिंग्स के डिस्टेंस के ऊपर हमने ये चीज़ नोट करी है इस तरीके से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज की तरफ। तो ये कॉलम इस तरीके से फिल होगा, मुख्तलिफ तरह के डिस्टेंसेस के ऊपर हम मुख्तलिफ तरह की रीडिंग्स को यहाँ पे फिल करते हुए चलेंगे। इसके बाद हम अगले कॉलम को फिल करेंगे जो कि अपोजिंग करंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को मालूम करेंगे, और वो बहुत आसान है, आप सब जान गए होंगे। हम करेंगे ये कि इसमें हम स्केल को सबसे पहले रिप्लेस करेंगे और एक कॉइल को दूसरे के मुकाबले में रिवर्स कर लेंगे, ठीक है, रिवर्स कर लेंगे और इनको करीब करके इनके दरमियान स्केल को वापस लगा देंगे। ठीक है जी, स्केल को प्लेस करने के बाद सबसे जो करीब वाला हमारा सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस है वो 7.3 है, 7.3। तो एडजस्टमेंट के मुताबिक भी 7.3 हमें इसमें करना होगा। तो 7.3 तकरीबन 7.3 के हम एस्पेक्ट में लेकर आ गए नियर अबाउट, और अपोजिट कॉइल हमने एडजस्टमेंट के तौर पे रख दी हैं यहाँ पे। सो अब यहाँ देखते हैं कि इसमें रीडिंग क्या आ रही है अपोजिंग के लिए। तो अपोजिंग के लिए रीडिंग आएगी हमारी, दैट वुड बी 9.45। तो हम इसको थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं, तो जो हमारी रीडिंग यहाँ पर आनी है अब हम उसको करेंगे मेजर्ड, जो कि 7.3 के मुकाबले में हमारी 9.45 आ रही है। तो 9.4 के करीब हमारी वैल्यू आ भी रही है यहाँ पे। इसी तरीके से हम डिस्टेंस को यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे। मैं आखिरी रीडिंग की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट एक ही तरह की है। तो रीडिंग आपकी डिस्टेंस ऑफ 7.3 के बाद 15 के ऊपर मैं लेके आऊँगा, जिसमें रीडिंग आपकी चाहिए 10.6 आनी चाहिए, 15 के ऊपर 10.6। तो देखें मैं बिल्कुल एंड तक इसे लेके जाऊँगा और उसमें दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये 15 सेंटीमीटर पर रखने के बाद अब मैं रीडिंग को बता देता हूँ। हमने 15 एंड टू एंड डिस्टेंस कहलाते हैं, यानी इसके ऊपर भी स्केल तकरीबन एंड है ज़ीरो के ऊपर, और यहाँ पे भी स्केल तकरीबन एंड है, और स्केल का पूरा साइज 15 सेंटीमीटर का है। तो अभी एडजस्टमेंट के मुकाबले में देखता हूँ तो 10.23 आ रहा है, दैट इज़ 10.6 या 10.59। तो ये रीडिंग तकरीबन इस तरह फुलफिल हो रही है। तो हमने ये कॉलम भी फिल कर लिया है और सेकेंड बी पैरल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने ये देखा कि डिस्टेंस को बढ़ाने के नतीजे में आपकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कम हो रही है पैरल में, और अपोजिंग करंट के अंदर ये चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, अपोजिंग करंट में अपोजिट जो एडजस्टेंट के मुकाबले में होती है वो रिवर्स में ही अपना फ्लो बताती है। ठीक है, जैसे ऊपर देखें तो वैल्यू डिस्टेंस को बढ़ाने के नतीजे में बढ़ रही है, जबकि अपोजिंग करंट में बढ़ी हुई वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो ये इससे अपोजिट होती है। इसी तरीके से डिस्टेंस को बढ़ाने के नतीजे में हमारी जो वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस की है M, वो आपकी कम हो रही है, और यहाँ पर इसके अपोजिंग होगी, यानी जो वैल्यू कम है वो बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ी हुई वैल्यू कम हो रही है। तो डिस्टेंस को बढ़ाने के नतीजे में पैरेलल कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो निकाली जाती है वो वैल्यू कम होती है, और अपोजिंग करंट के नतीजे में वो बढ़ती है। अच्छा जी, अब इन दो कॉलम को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे से, जो मैंने यहाँ बताया हुआ भी है सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे एम्प्टी कॉलम्स हैं उसको रीडिंग वाइज मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों के दूसरे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के नतीजे में आपको यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको।
जैसे पहली रेटिंग दिखा देता हूँ 12.5 माइनस 9.45 को सब्ट्रैक करता हूँ मैं एक दूसरे से, तो 12.5 सब्ट्रैक्ट 9.45, तो वी गॉट द वैल्यू 3.05। अब ये वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी 3.05, तो इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे अपने L1 की वैल्यू से, तो हमें मिल जाएगी वैल्यू K की। तो K का कॉलम किस तरह निकालते हैं, हम K मालूम करते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आती है हमारी, उसको L1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, L1 हो या L2 हो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप फॉर्मूले के मुताबिक L1 से डिवाइड कर दें, L2 से भी डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू आप आंसर आपका सेम आएगा। तो 3.5 को मैं डिवाइड कर दूंगा 21.71 से, तो आंसर मेरे पास 3.5 आया डिवाइड बाय 21.71 से। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कैलकुलेटर में 0.141। तो ये हमारे पास सेम वैल्यू राउंड ऑफ करके आ रही है। इसी तरीके से हम अपनी सारी वैल्यूज़ को मालूम करेंगे वन बाय वन, आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे कर लें लेकिन बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू होनी है, फिर आपको ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की कॉलम की वैल्यू मिलेगी, एंड देन फिर आप K निकालेंगे। मैं लास्ट वाला करके दिखा देता हूँ आपको, इस वैल्यू को माइनस करेंगे ऐसे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है, तो 11.46 सब्ट्रैक्ट विद 10.59। हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गॉट द वैल्यू, और इसको डिवाइड कर लेंगे 21.71 से, 21.71 से डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, दोनों मिली के अंदर हैं, मिली हेनरी में, तो इसलिए मिली हेनरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिली हेनरी कैंसिल हो जाएगा, आपको सिर्फ इस वैल्यू को डिवाइड करना है 21.7 से, जो कि मैं कर रहा हूँ, एंड इस तरीके से हमें वैल्यू जो मिलेगी दैट इज़ 0.040 और 0.040, ये थोड़ा इसमें एरर है, 0. खावा ये 0.040 होगी, ये राउंड ऑफ नहीं, इतनी करेंगे हम वैल्यू। तो इस तरीके से हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया है, और पैरल का मैंने अपनी सेकंड पार्ट जो ये वीडियो बन रही है इसमें करके दिखा दिया। तो इस तरीके से इसको हमने फुलफिल करके, ऑब्जर्वेशन कॉलम फुलफिल करके आपको दिखा दिया ये किस तरीके से रीडिंग्स आ रही हैं और किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल वे में ये परफॉर्म हो रहा है LCR मीटर के ज़रिए से, और जो हमारे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल हैं इन पेयर ऑफ टू कॉइल्स L1 और L2 के बिहाफ पे हमने इंडक्टेंस डिस्टेंस की वेरिएशन के नज़र में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है उसको ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन कॉलम को फिल किया है। उसके बाद अब आते हैं हम इसके ग्राफ प्लॉटिंग की तरफ। इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ प्लॉट के बारे में इंस्ट्रक्शन दी गई है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन कपलिंग कोफिशिएंट वर्सेस डिस्टेंस एक्स यूजिंग योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो K की वैल्यू और एक्स की वैल्यू आपको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेस करनी है। अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। देखें, एक्स की वैल्यू है ये वाली, सीरीज़ का ग्राफ एक बनेगा कि डिस्टेंस की वैल्यू आपकी 7.5 से ऑनवर्ड्स 15 तक बढ़ रही है। ठीक है, यानी 0 से लेके 15 तक वैल्यू रखेंगे आप, और मुख्तलिफ वैल्यू जो ये वाली आ रही है उसके नतीजे में के की वैल्यू आ रही है, तो आप के की वैल्यू के कॉलम का और एक्स की वैल्यू के कॉलम का आपस में ग्राफ बनाएंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सिमिलरली इसमें एक और ग्राफ बनेगा जो कि डिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर है, डिस्टेंस 7.3, 0 से शुरू करेंगे जिसमें 7.3 पहले आएगा एंड देन 15 पे ये ग्राफ एंड हो जाएगा। तो ये ग्राफ आप बनाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिस्टेंस और कपलिंग कोफिशिएंट के दरमियान के की वैल्यू का, ये दोनों का ग्राफ बनेगा आपस में, और इनका ग्राफ जो आप बनाएंगे वो आपका कुछ बहरहाल मैं इसके बारे में तो नहीं बताऊँगा, इसको आप प्लॉट करके फिर ऑब्जर्व करिएगा और फिर हम उसे लैब जो हमारी ऑनलाइन होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनने के बाद ये तीन टास्क हो गए, पहला टास्क सीरीज कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेशन का, दूसरा टास्क पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑब्जर्वेशन कॉलम फिल करने का, और तीसरा टास्क इसमें ग्राफ प्लॉट करने का है के वर्सेस डिस्टेंस। दो ग्राफ बनेंगे पैरेलल का और सीरीज़ का, आप चाहें तो दोनों को एक में बना लें, चाहें तो अलग अलग बना लें। उसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, इस लैब में आपने क्या कंक्लूजन अखज़ किया है कि आपने इसमें क्या सीखा है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप दोनों को सेपरेट कर लिख सकते हैं, जगह कम पड़ लिए तो नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक रिक्वायरमेंट आज की लैब 6 की पार्ट 2 की और पार्ट 1 की पूरी होती है। यहाँ तक
अगर कोई सवाल किसी के जहन में तो होपफुली पूछ लीजिएगा हमारी ऑनलाइन क्लास में या फिर मेरे ईमेल एड्रेस adilkhanpakistan@gmail.com पे। आज के इस लैब सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।